फैक्ट्री में हम देख चुके हैं, लूसिंग को पता चल गया था कि उसे पेन होने पे हीजे को भी पेन होता है, इसलिए ही वो उसकी केयर करता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 4 से पहले पार्ट 3 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 4 में हम देखते हैं लूसिंग की मॉम का ट्रीटमेंट करने के लिए हीजिन काई की हेल्प से अंकल को मना लेता है, जिससे लूसिंग की मॉम बच जाती है। बट लूसिंग अभी भी हीजी से गुस्सा थी, पर जब उसे पता चलता है कि हीजी ने ही उसकी हेल्प की और मॉम का बिल भी पे कर दिया, तो वो खुश होती है और फिर रात में जानबूझ के लिस्ट पे लिखी वही सारी चीजें करती है जो हीजी ने करने से मना की थी, जिसकी वजह से हीजी को भी दर्द हो रहा था। और वो स्पाइसी खाती है तो हीजी भाग के उसके घर आता है, इसलिए खुश हो रही थी। बट वो बहुत गुस्से में था और बातों बातों में ये बोल देता है कि मैंने तुमसे लव करने का झूठ बोला था। तो लूसिंग की आंखों में आंसू आ गए थे, वो जाने लगा था तो जानबूझ के अपने चोट मारती है। वो वापस आता है तो कहती है तुम्हें मेरी गोंगचंग को पटाने में हेल्प करनी होगी। वो कहता है ओके ओके ठीक है, मिर्ची नीचे रखो। वो कहती है तुम इतनी जल्दी मान गए, और उसके जाने के बाद कहती है वो मुझे लव नहीं करता, अब मैं क्या करूंगी। इधर हीजे गोंगचंग को बताता है कि मैं लूसिंग को लव करता हूँ, बट उसके दिल में सिर्फ तू है, तो प्लीज मेरी उसे पटाने में हेल्प करना। गोंगचंग मान जाता है और फिर वो डेट पे जाते हैं, वो भी तीनों साइकिल पे। लूसिंग हीजे के क्लोज बैठ के स्माइल कर रही थी, पर हीजे गोंगचंग के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। बट लूसिंग और गोंगचंग भी आपस में सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। जब लूसिंग को पता चलता है कि हीजे ये सब लूसिंग और गोंगचंग को करीब लाने के लिए कर रहा है, तो वो बहुत गुस्सा होती है। लूसिंग को गोल्फ सिखाने के लिए हीजे गोंगचंग से गोल्फ सीख रहा था, बट लूसिंग जेलस हो रही थी, तो हीजे बस लाइक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इनकाई की जगह मैं फीमेल लीड हूँ, और लूसिंग जेलस हो रही है। फिर जब वो लूसिंग को गोल्फ सिखा रहा था तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, बट वो फिर से गोंगचंग का नाम लेने लगा था तो वो फिर से गुस्सा होकर जाने लगती है। तो गोंगचंग लूसिंग को डांट देता है कि तुम हीजे का दिल क्यों दुखा रही हो, और उसे ले जाता है। इनकाई ने लूसिंग की मॉम की हेल्प की थी, जिसकी वजह से गोंगचंग और इनकाई के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। इनकाई को लगता है गोंगचंग लूसिंग के साथ डेट पर गया था, बट वो मना कर देता है तो वो खुश होती है। क्लास में लूसिंग हीजे पे गुस्सा दिखा रही थी, तो हीजे जानबूझ के उसे चिढ़ाने के लिए वायलिन की ड्राइंग में हेल्प कर रहा था। लूसिंग जेलस हो रही थी क्योंकि हीजे और वायलिन सेल्फी ले रहे थे। वायलिन डॉक्टर सू को इम्प्रेस करने आई थी, तो ये देख लूसिंग जानबूझ के डॉक्टर सू के क्लोज होती है ताकि वायलिन जेलस हो जाए, जबकि रियल में जेलस हीजे हो रहा था। उसे देखते वो उठ के चली जाती है। हीजे वायलिन से बात करके पता करने की कोशिश कर रहा था कि वायलिन कॉमिक की न्यू कैरेक्टर कैसे बन गई, जबकि वो उसे जानता भी नहीं। पर उन दोनों को देख लूसिंग जेलस हो रही थी और मिर्ची खा लेती है, जिससे हीजे का भी बुरा हाल था। तो वायलिन उसे पानी देती है। वो कॉमिक में देखता है कि रॉक क्लाइंब करते टाइम लूसिंग इनकाई की रस्सी ढीली कर देगी, तो गोंगचंग इनकाई को बचा लेगा। लूसिंग का डैड उसे पैसे लेने आता है और उसे गोंगचंग को पटाने को बोल रहा था, बट वो मना करती है। तो वो लूसिंग को धमकी देता है कि मैं तेरे पास्ट में किए गलत कामों के बारे में सबको बता दूंगा, तो तुझे क्रिस्टल स्कूल से बाहर फेंक देंगे, अच्छा होगा मेरी बात मान ले। रॉक क्लाइंबिंग से पहले हीचे इनकाई की रस्सी टाइट करके बांध देता है और लूसिंग को सैड देख उसके पास बैठ जाता है। वो पूछती है अगर किसी इंसान ने पास्ट में गलत काम किए हो तो क्या वो बुरा इंसान है। वो कहता है किसी का भी पास्ट सब कुछ डिसाइड नहीं करता, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर वो प्रेजेंट में अच्छे काम करे तो वो अच्छा इंसान है। वायलिन इनकाई की रस्सी ढीली कर देती है। वायलिन का बिहेव देख हीचे को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर जब वो सब रॉक क्लाइंब कर रहे थे तो इनकाई की रस्सी खुल जाती है, उसे ज्यादा टाइम ऊपर नहीं लटका जा रहा था, तो लूसिंग अपनी रस्सी उसे बांध देती है, पर इनकाई का हाथ छूट जाता है। तो प्रिंस यानी गोंगचंग अपने प्रिंसेस इनकाई को बचा लेता है। लूसिंग का भी हाथ छूटने वाला था तो हीजे उसे बचाने लगता है, बट उसके सिर पे चोट लग जाती है। वो कहती है तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है। वो कहता है तो क्या मैं तुम्हें गिरते हुए देख लेता, और उसके सिर से ब्लड निकल रहा था, बट थैंक गॉड उसके ज्यादा चोट नहीं आई थी। हीजे वायलिन को डांट रहा था कि उसने ये सब क्यों किया,
बट वो बताती है कि मास्टर मैं तुम्हारी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। इनफैक्ट वो भी हीचे की तरह रियल वर्ल्ड से कॉमिक वर्ल्ड में आई थी और बाइलिन का मिशन था कि सुजिक्सु से कहलवाना कि वो अब इनकाई को लव नहीं करता। अब दोनों का सेम मिशन था कि सेकंड लीड्स को मेन लीड से दूर रखना, यानी हीरो हीरोइन को मिलवाना। इनकाई ने लूजिंग की मॉम की हेल्प की थी और लूजिंग ने उसे बचाया था, इसलिए दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाती हैं। बट लूजिंग कहती है पर अब हम कभी नहीं मिलेंगे। हीजे को जीरुई से पता चल जाता है कि लूजिंग स्कूल से चली गई तो वो हैरान था और उससे बात करने जाता है। वो उसे खूब डांट रहा था तो लूजिंग उसे अपने पास्ट का क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाती है। हीजे हैरान था बट वो रो रही थी क्योंकि उसने ये सब गलत काम अपने डैड के फोर्स करने पे किए थे। हीजे लॉजिक से पूछता है कि मैंने तो कॉमिक में लूजिंग का पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाया तो ये कैसे हो सकता है। तो लॉजिक बताता है कि तूने उसे बैड गर्ल के करेक्टर दिए हैं और स्टोरी के लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे ये सब करना पड़ा। हीजे कहता है पता है तूने लूजिंग का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। वो कहता है मैंने नहीं, तूने उसे ऐसा बनाया। तुझे पता है बचपन में लूजिंग अपनी बीमार माम का ख्याल रखती थी और उसके डैड उसे अब्यूज करते थे। वो कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहती थी पर इतने रिजेक्शंस के बाद वो बैड गर्ल बन गई। आखिर तूने लूजिंग को बनाया क्यों था। हीजे लूजिंग के लिए मैजिक पेन से फ्लावर बनाता है और उसे कहता है ये लव और होप का सिंबल है, तो वो खुश होकर ले लेती है। इनफैक्ट हीजे ने लूजिंग का करेक्टर बचपन में बनाया था जब उसके मॉम डैड हमेशा लड़ते रहते थे और एक बार जब स्कूल में उसने अपने क्रश को लव लेटर दिया था पर वो किसी और ने स्कूल नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था। पर हीजे को लगा ये उसकी क्रश ने किया, इसलिए उसने गुस्से से अपने क्रश के फेस से ही लूजिंग को बना दिया था। लूजिंग डैड से सब कुछ उगलवा के रिकॉर्ड कर लेती है। डैड उसे मारने लगे थे बट हीजे आ जाता है उसे बचाने। फिर क्या, वो सब डैड को पकड़वा देते हैं और सबको पता चल गया था कि डैडी लूजिंग के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड के असली मुजरिम है। मॉम भी ये जान के रोती हैं कि लूजिंग को कितना कुछ सहना पड़ा। अब तो वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि लूजिंग क्रिस्टल स्कूल में वापस आ गई थी। हीजे उसे नया घर दिखाने लाता है ताकि लूजिंग अपनी मॉम के साथ वहाँ पे रह सके क्योंकि वो तो अब ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुकेगा। वो पूछती है तुम कहाँ जाने वाले हो, बट वो बात को टाल देता है। हीजे की एडवाइस करने पे गोंगचेंग मैजिक पेन प्राइज पेंटिंग कॉम्पिटिशन अरेंज करवा देता है। बट एनकाई को डर था कि गोंगचेंग के पेरेंट्स उसे पैसे की वेस्टेज करता समझ के उस पे गुस्सा न करें और ऐसे ही होता है। गोंगचेंग का अपने डैड से झगड़ा हो जाता है क्योंकि डैड हीजे को असिस्टेंट की जॉब से हटाने को बोल रहे थे, इसलिए वो घर से चला जाता है। हीजे लूजिंग को अपना नाम सिंड्रेला रख के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है जिसकी ट्रेनिंग वो खुद उसे देगा, तो वो बहुत खुश होती है। हीजे जब लूजिंग को पेंटिंग सिखा रहा था तो उसके करीब होने पे वो ब्लश कर रही थी। गोंगचेंग लूजिंग से इंडिपेंडेंट तरीके से लाइफ जीने के टिप्स लेने आया था तो वो बातों ही बातों में बोल देती है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। गोंगचेंग समझ आता है कि वो हीजे की बात कर रही है। गोंगचेंग के बॉडीगार्ड्स हमेशा उसके पीछे पीछे रहते हैं, इसलिए लूजिंग को एक आइडिया आता है। गोंगचेंग पेट दुखने का बहाना करके भाग जाता है। वो बॉडीगार्ड्स को टॉयलेट में जाने से रोक देती है। काफी टाइम बाद बॉडीगार्ड्स गोंगचेंग को ढूंढने चले जाते हैं बट वो वहीं पे छुपा हुआ था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठे थे और हीजे लूजिंग को डांट रहा था और फिर गोंगचेंग को समझाता है कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागना चाहिए। बट गोंगचेंग कहता है पर तुम्ही ने मुझे आजादी से जीना सिखाया है और कहा था कि जो मेरे दिल करे मुझे वही करना चाहिए। सबको सिंड्रेला की ओल्ड पेंटिंग्स बहुत पसंद आती हैं और उनको यकीन था कि सिंड्रेला ही जीतेगी। बट सिंड्रेला यानी लूजिंग अभी तक कॉम्पिटिशन में नहीं पहुँची थी। तभी हीजे के हाथ में दर्द होने लगता है क्योंकि वो साइकिल पे ठुके गिर गई थी। पहले तो हीजे उसे कॉम्पिटिशन मिस करने पे डांटता है पर फिर उसे घर ले आया था और अपने हाथों से बनाया सूप देता है। लूजिंग उसे पेट गिफ्ट करती है जो इतना भयानक था कि उसे देखते ही हीजे डर गया था। गोंगचेंग इनकाई और हीजे लूजिंग मस्ती करने आते हैं। फिर जब वो हॉन्टेड हाउस में जाते हैं तो लूजिंग हीजे को डराती है बट भूत देख सब बहुत डर जाते हैं और भागने लगे थे। गोंगचेंग इनकाई को बचाने के बजाय खुद ही बहुत डर रहा था। देन इनकाई वॉज लाइक कितना डरपोक हीरो है। फिर जब वो गोंगचेंग को अपने मॉम डैड से बात करके फिर से पहले की तरह रहने को बोलती है और घर जाने को बोल रही थी तो वो कहता है क्या तुम्हें चेंज होने से डर लगता है, और इनकाई से गुस्सा हो जाता है। इधर हीजे और बाइलिन हीरो हीरोइन को क्लोज लाने के प्लान बना रहे थे पर उन दोनों को बातें करते देख लूजिंग जेलस हो रही थी। उसका गर्म सूप पे हाथ रखा गया था तो हीजे जल्दी से लूजिंग की केयर करने लगता है
लूजिंग तो बहुत खुश हो रही थी और बायलिन को चिढ़ाती है। इनकाई कहती है, लूजिंग टीचर ही जी तेरी कितनी केयर करते हैं। तो वो दोनों हंस पड़ते हैं। बायलिन सुजिक्सु को जबरदस्ती घुमाने लाती है ताकि गोंगचेंग और इनकाई को साथ में देख सुजिक्सु सैड होने के बजाय इनकाई पे गिव अप कर दे। वो जाने लगा था तो वो ये बोल देती है कि मैं तुम्हें लव करती हूँ, बट वो उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। इधर हम स्कूल में देखते हैं कि एक लड़के की एंट्री होती है जो बिल्कुल बैड बॉय की तरह दिख रहा था। सब स्टूडेंट्स उसे देख के हैरान थे और प्रिंसिपल उस लड़के को गुस्से से रोकते हैं। वो जैसे पलटता है पार्ट 4 का एंड हो जाता है। तो कमेंट करके बताना कि ये बैड बॉय है कौन। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।